अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल शाइन योर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलें अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो क्रीम बनाना सिखाने लगी हूँ, आप इसे क्रीम कह लें या सीरम कह लें, ये दानों की जिनके चेहरों पे दाने निकल आते हैं या पिंपल्स आ जाते हैं, एक्नी हो जाते हैं या उनके निशान रह जाते हैं, ये उनके लिए है। ये क्रीम बहुत ही अच्छी है, आपने इसको रात सोते हुए लगाना है और आप एक वाजिया फ़र्क महसूस करेंगे कि आपके दाने कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। चलें अब इसको बनाना कैसे है ये देखते हैं। एक बाउल ले लें, आप इसमें एक चम्मच भर के एलोवेरा जेल ले लें, रेडीमेड जो होता है। आप इसमें अगर एलोवेरा सूट नहीं करता तो आप इसमें कोकम्बर जेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसमें नीम ऑयल डालना है, ये आपको किसी भी पंसारी या मेडिकल स्टोर के शॉप से मिल जाएगा आसानी से। ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर और ये इन्फेक्शन को भी दूर करता है, इसलिए नीम ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। इसमें हाई मिकदार में ना विटामिन ई होता है, जिससे हमारी स्किन जो डैमेज हो जाती है वो भी ठीक होती है और जो हमारी स्किन पर एक्ने स्कार आ जाते हैं उनको भी ठीक करता है। इसके बाद आपने इसमें 10 ड्रॉप ये टी ट्री ऑयल के डालने हैं। ये टी ट्री ऑयल है ना, ये एंटीबैक्टीरियल है, हमारी स्किन पर जो भी जरासीम वगैरह लग जाते हैं ये उसको ठीक करेगा, उसको दूर करेगा और हमारी स्किन को भी क्लियर एंड क्लीन करेगा। इसको अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ जाएगी। फिर इसमें आप जब अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे तरह से, ये देखिए कैसी क्रीम की शक्ल में बन गई है। आपने इसको रात को सोते हुए लगाना है, इससे आपकी स्किन के पिंपल्स तो ठीक होंगे ही लेकिन जो भी लाइन्स आ जाती हैं वो भी ठीक होंगी। इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी हाफ टी स्पून के करीब ना इसमें ग्लिसरीन डाल दें। ये क्रीम आपकी स्किन को नरिश भी करेगी और दानों की वजह से जो चेहरे पे ख़ारिश हो जाती है उसको भी ठीक करेगी। अब आपने इसको रात को सोने से पहले लाजमी लगाना है और आपने फिर सो जाना है। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसको जहाँ दाना है आपका यानी जहाँ पर एक्नी है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसको लगाने से आपकी स्किन फौरन ग्लो भी करेगी। इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए आप इसे कॉटन बर्ड की मदद से सिर्फ उस जगह पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको दाने निकला हो। आप इसको बना के फ्रिज में रख लें। ये देखिए टी ट्री ऑयल है ना, ये फौरी इंस्टेंट हमारे पिंपल को ना ठीक करता है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप कॉटन बर्ड की मदद से इसको आप डायरेक्ट पिंपल के ऊपर लगाएं, आप देखेंगे फौरन थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कि वो दाना जो है ना आपका बैठ जाएगा। ये इतना फ़ायदेमंद है, इसको आप घर में लाजमी रखें, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।